अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेघालय की एक ऐसी जगह के बारे में बताऊं, जो कि अगर कोई भी मेघालय जाने का प्लान कर रहा है तो उसे उस जगह को कभी मिस नहीं करना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा दाउकी रिवर। दाउकी को स्थानीय भाषा में उमगॉट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यकीन मानिए, जितना खूबसूरत ये नदी अभी आपको वीडियो में दिख रहा है, इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत दिखेगा जब आप इसे वास्तविकता में सामने से देखोगे। ये जो रिवर है, इसे एशिया का सबसे क्लीनेस्ट रिवर भी कहा जाता है। Everyone, hello and good morning from the Meghalaya। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मेरे चैनल पे मेघालय सीरीज चल रही है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ एशिया की सबसे क्लीनेस्ट रिवर, जिसका नाम है दाउकी। तो फिलहाल मैं निकल चुकी हूँ सिलोंग से एंड आई एम गोइंग टू दाउकी, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द प्लेस, क्योंकि मतलब मैंने बहुत यूट्यूब वीडियोस देख रखे हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने देख रखे हैं, एंड मैंने बहुत कुछ सुन रखा है दाउकी रिवर के बारे में। तो वैसी जगहों पे जाना हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है, जिसके बारे में जो जगह मेरी बकेट लिस्ट में रहती हैं। सो चलिए चलते हैं दाउकी की सैर। मेघालय की राजधानी सिलोंग से दाउकी रिवर का जो डिस्टेंस है वो है 82 किलोमीटर, और इस 82 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में आपको लग सकता है 3.5 से 4 घंटे का समय, क्योंकि जो दाउकी रिवर की तरफ रास्ता जो गया है वो रास्ता उतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है। वहीं अगर मैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूँ, तो आपको सिलोंग से ही प्राइवेट कैब, प्राइवेट टैक्सी और मेघालय टूरिज्म की तरफ से चलने वाली बसेस भी ईजिली मिल जाएंगी, और इनकी जो प्राइसिंग होगी ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज करते हैं। अगर आप मेघालय ट्रांसपोर्ट की तरफ से चलने वाले बसेस को लेते हैं तो उसका जो किराया होगा वो सबसे कम होगा, और सबसे चीपेस्ट वे यही होता है कि आप मेघालय टूरिज्म की बस लें और उससे दाउकी तक की सफ़र को तय करें। और इस सफ़र को तय करने के बीच में जो रास्ते आते हैं वो बहुत ही शानदार होते हैं। आपको वैसे तो पूरी लश ग्रीनरी आपको चारों तरफ मेघालय में दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही आप दाउकी नदी के किनारे पहुंचोगे, तो मतलब जब आप ऊपर जहां रोड है वहीं से आपको दाउकी रिवर दिखाई देने लगती है, और यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। इसका जो वाटर है वो बिल्कुल ग्रीन, पूरा मेघालय तो ग्रीन है ही, साथ ही साथ इसका जो रिवर है यहाँ का, उसका भी कलर ग्रीन ही आपको दिखाई देगा। Okay, listen. So now we are seeing our last spot. That is the Dauki River. In local we call it the Umgat River. So here's an open border. Half of the river is India and half is Bangladesh. Our India River we call it the Umgat River or the Dauki River. And Bangladesh River we call it the Jaffalong River. So and boating price is 800 per boat, but in one boat you can sit 3 person, and the boating time is 45 minutes. Hello. So finally we have reached to our last destination, that is Dauki River, जो कि एशिया का सबसे cleanest river भी इसे कहा जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं दाउकी रिवर में। मतलब दाउकी रिवर को ऐसे घूमने का तो कोई चार्ज नहीं लगता है, लेकिन अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 800 पर बोट देना होता है। हालांकि बोट में आप 3 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और एक जो बोट चलाने वाले भैया होते हैं वो होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है दाउकी रिवर। और दाउकी रिवर से लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पे एक बस स्टैंड है। हालांकि ये तो कोई स्टैंड नहीं है, ऐसे ही खुली सड़क है और इसे ही पार्किंग एरिया बना दिया गया है। तो इधर ही जो भी आप जिस भी गाड़ी से आएंगे, चाहे वो बस हो, आपकी प्राइवेट गाड़ी हो या फिर शेयरिंग वाली टैक्सी हो, वो सारी टैक्सीज गाड़ियाँ साइड में लगती हैं, और फिर यहाँ से उतर के 100 मीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करते हुए आप पहुँचते हो दाउकी रिवर के पास में। यहाँ की भीड़ देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो दाउकी रिवर है वो कितना ज्यादा फेमस है। और अभी क्योंकि शाम का समय हो चुका है, इसलिए भी भीड़ ज्यादा हो रखी है। फिलहाल ये रहा आपका टिकट काउंटर, और यहीं से आपको टिकट्स लेनी होती है। बेसिकली आपको एक कंप्लीट बोट का रिजर्वेशन करना पड़ता है, और यू कैन से कि आपको एक बोट लेनी होती है जिसकी प्राइसिंग है 800, और उस बोट में 3 लोग
बैठ सकते हैं। तो अगर आप अकेले भी हैं तो यहाँ पे आप किसी यात्री से बात करके शेयरिंग में बोट की बुकिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने वही करा है, मैंने शेयरिंग में अपनी जो बोट है उसकी बुकिंग करी है और फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ नीचे दाउकी रिवर में बोटिंग करने। पानी क्यों निकाल रहे हो? भर गया था। और यहाँ पे इनफैक्ट जब आप टिकट करवा भी लेते हो ना उसके बाद भी आपको 5 to 10 minutes तक का वेट करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस भी बोट की बुकिंग कराए होते हो वो बोट मतलब किसी और पैसेंजर को लेके और नदी की सैर करवा रही होती है, तो जब आपकी बारी आती है तो तभी आप नाव में बैठ सकते हैं, तो इसलिए आपको 5 to 10 minutes का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन जब नज़ारे ऐसे हों तो वेट करने में क्या ही परेशानी है। आई मीन जस्ट लुक एट द कलर, आप जरा पानी के कलर को देखिएगा, बहुत ही प्योर वाटर है। मतलब जब ऊपर से तो देखने में ये बहुत ही ग्रीन सा लग रहा था, लेकिन जब आप इस पानी को उठाओगे ना तो वही अपने नेचुरल स्वरूप में मतलब वाटर कलरलेस है। फिलहाल आपको ये जो सामने एक ब्रिज दिख रहा है ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसे 1932 में बनाया गया था और ये इंडिया को बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। इनफैक्ट इसी ब्रिज से इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड हुआ करता था। वैसे तो दाउकी रिवर को एक दिन में आराम से एक्सप्लोर किया जा सकता है, मतलब अगर आप शिलोंग में भी रुके हुए हैं तो वहाँ से दाउकी रिवर के पास जाकर यहाँ पे रिवर बोटिंग वगैरह करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ कैंपिंग का भी सुविधा है। बेसिकली जो यहाँ कैंपिंग होती है वो जो चार्जेज है उसके वो है 2,500 rupees पर नाइट के हिसाब से आपको पे करने होते हैं, लेकिन जो आपको 2,500 लगते हैं उसी में आपका एक टेंट आपको मिलता है और 2 to 3 people एक साथ शेयर कर सकते हैं। और कैंपिंग में बोटिंग भी इंक्लूड होता है, मतलब जब आप 2,500 का पैकेज लेंगे तो उसमें वो लोग आपको बोटिंग भी करवाएंगे। हालांकि रात में जब आप रुकते हैं तो वहाँ खाने पीने के लिए जो चीज़ें आपको लेनी होंगी उसका आपको अलग से चार्ज देना होता है। वैसे तो दाउकी रिवर में आपको हमेशा ही भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कम भीड़ देखने को मिले तो आई विल रिकमेंड कि आप सुबह के टाइम में दाउकी रिवर की सैर को आओ। अगर आप अपने साथ पर्सनल फोटोग्राफर लेके नहीं भी गए हों तो भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बोट वाले भैया होते हैं वो आपकी काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर देते हैं, क्योंकि उनको बेसिकली लोकेशन पता होता है कि कौन से जगह से कितनी अच्छी फ़ोटोज आएंगी। इनफैक्ट जब आप कहते भी हो ना कि भैया थोड़ा सा बोट रोकिएगा यहाँ पे पिक्चर्स लेनी है, तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे नहीं थोड़ा सा आगे चलिए वहाँ से ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आएंगी। और जब आप इतने खूबसूरत से जगह पे गए हो तो पिक्चर्स क्लिक करवाना तो बनता है, और पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी आती है यहाँ की। अब चलिए इस रिवर को देखने आप आए हैं तो इस रिवर से जुड़ी हुई कुछ तथ्य मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। तो भाई पहला तो तथ्य ये है कि यह रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित है। इनफैक्ट नदी का आधा जो हिस्सा है वो इंडिया में है और नदी का आधा हिस्सा बांग्लादेश में है। तो नदी का वो हिस्सा जो इंडिया में स्थित है उसका नाम है दाउकी, या फिर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उसे उमगॉट के नाम से भी जानते हैं। वहीं नदी का वो हिस्सा जो बांग्लादेश में स्थित है उसे जोफ्लोंग के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो दाउकी रिवर है उसके 3 names हुए, एक दाउकी, दूसरा जोफ्लोंग और तीसरा उमगॉट रिवर। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी नाम सुनने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो दाउकी की ही बात कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग निवासी हैं, मतलब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो ये नाव चलाना तो है ही, साथ ही साथ फिशिंग होता है। तो जब आप इस रिवर में आएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बोट वाले दिखेंगे जो यहाँ पे मछली मार रहे होते हैं, और वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी फिशिंग नेट
को लेके। और यहाँ पे मुझे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी थी वो ये है, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल और इसमें कुछ बियर्स की भी बॉटल थी, तो बियर की बॉटल और कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को ऐसे ही पत्थरों से चारों तरफ से घेर के और बीच में रखा गया है, और ऐसा इसलिए करा गया है ताकि ये ज़्यादा देर तक ठंडी रहे। अब क्योंकि नदी के किनारे छोटी छोटी दो तीन दुकानें भी हैं, तो इन दुकानों पे पानी और कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह मिल रही हैं, तो उनको ठंडा रखने के लिए ऐसा जुगाड़ किया गया है। फिलहाल हम लोग आ चुके हैं एक किनारे पे और अभी हमारी बोट यहाँ लग चुकी है और हम थोड़ी देर के लिए आसपास थोड़ा सा घूमेंगे और पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। और नदी के किनारे मैगी खाने का तो एक अपना ही मज़ा है, तो अगर आप भी कभी दाउकी नदी के किनारे आ रहे हैं तो यहाँ आसपास में दो तीन छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ से आप मैगी ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ ये लोग मैगी बनाने के लिए या फिर जो भी चीज़ें ये बनाते हैं उसके लिए ये पानी जो है नदी से ही ले जाते हैं, तो नदी का पानी बिल्कुल स्वच्छ है। तो चलिए अब यहाँ से हमें रिटर्न होना है, मतलब हमें नदी के उस पार जाना है, तो इसके लिए फिलहाल मैं अपने आ चुकी हूँ बोट में। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सर्दियों में यह नदी और भी सुंदर और साफ हो जाती है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों से कहा जाता है कि वे किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाएं। अगर आप यहाँ पे किसी भी तरह की गंदगी फैलाए हुए पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ के लोग इस नदी की साफ सफाई का व्यक्तिगत तौर पे भी काफी ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट इस नदी के आसपास के नज़ारे भी काफ़ी अद्भुत हैं। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट के साथ ही नदी में पड़ती सूरज की किरणें बहुत ही सुकून देने वाली होती हैं और एक प्राकृतिक वातावरण का एहसास दिलाती हैं। यहाँ का माहौल इतना अच्छा रहता है कि यहाँ पे गिरने वाले जो पानी की आवाज़ होती है उसको आप आराम से सुन सकते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बच्चे अभी यहाँ पे नहा भी रहे हैं, तो ये यहाँ के लोकल्स हैं। वैसे चाहे तो आप भी यहाँ पे स्नान कर सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू डू सो, क्योंकि यहाँ पे ना चेंजिंग के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि प्रकृति की गोद का आनंद लें तो बेस्ट ऑप्शन है ये आपके लिए, जरूर आइए आप ताउकी रिवर की सैर पे। और चलिए अब शाम का समय हो चुका है तो हम लोग उस किनारे से इस खूबसूरत नदी को निहारते हुए आ चुके हैं इस किनारे पे, और अभी हमारी बोट जो है यहीं लगने वाली है। और यहाँ से उतर के फिलहाल हम लोग अभी अपने बस में जाएंगे एंड देन We'll back to Shillong। अब चलते चलते यहाँ से एक बात और भी जान लेते हैं कि ये जो दाउकी रिवर है ना, ये दो हिल्स को डिवाइड करती है। एक तरफ आपको खासी हिल्स देखने को मिलेगी और नदी के दूसरी साइड जो हिल है उसका नाम है वेस्ट जयंतिया हिल। तो बेसिकली दाउकी रिवर ईस्ट खासी हिल्स और वेस्ट जयंतिया हिल्स को डिवाइड करके बीच में बहते रहती है। कबीर सिंह बाय। ऑलराइट, सो अभी फाइनली हम लोग एक राउंड मार के इस रिवर का और वापस आ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग बैक इनटू द बस। तो हमारी जो वीडियो थी ये यहीं पे एंड होती है, एंड ये जो ब्लॉग था मुझे उम्मीद है कि दाउकी रिवर का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप मेरे पीछे ये सारे नाव देख सकते हैं, तो इन्हीं नाव में आपको भी जाना होता है।